नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं। 10 लाख नौकरियां तेजस्वी देने का वादा कर रहे हैं, 19 लाख बीजेपी। आप कितनी नौकरियां देंगे केसी त्यागी, या दे दी जितनों को देनी थी? समझ रहे हो, संदीप चौधरी के कहने का मतलब ये था कि क्या कुछ नौकरियां पब्लिक के लिए भी छोड़ी है, या फिर सारी की सारी नौकरियां नेपोटिज्म के चक्कर में अपने बच्चों को ही दे दी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। Assalamualaikum, hello guys, welcome to Bill Talks, यारो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो संदीप चौधरी की ठग लाइफ होने वाली है। संदीप चौधरी न्यूज 24 के एक ईमानदार पत्रकार हैं। ईमानदार मतलब ऐसे ईमानदार नहीं, सच्ची मुची वाले ईमानदार। ये आदमी भी रविश कुमार की तरह बीजेपी की तरफदारी करते हुए जर्नलिज्म नहीं करते, बल्कि बीजेपी से सवाल करते हुए जर्नलिज्म करते हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इस आदमी में पेशेंस तो अलग ही लेवल का है भाई। आप स्क्रीन पर ही नहीं, जैसे लोग बेकार हैं। ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको आलोक किसने अधिकार दिया गद्दार कहने का मुझे? ये क्या किया है आपने? ये क्या किया आलोक शर्मा? आप एंकर साहब रोकिए इनको। नहीं, ये क्या किया है आपने? खराब कर सकते हैं। ये क्या किया है? मेरा मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा आप। ये आप ये शब्द। इसमें फन फैक्ट तो ये है कि बीजेपी का प्रवक्ता सामने वाले को अपना फोन रिप्लेस करने को कह रहा है, या फिर नया फोन दिलाओ बोल रहा। बात तो सही है। अगर संदीप चौधरी की जगह अर्नब गोस्वामी वहां पर बैठा होता तो क्या होता, आप ही सोच लो। सडननेस, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. चुप कर बे कुत्ते। तो महंगाई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए टोल टैक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं जफर भाई। बिल्कुल। ये कमर्शियल गैस का सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया, 2253 रुपए दिल्ली जहां आपका सरकारी आवास है, मुंबई में आप रहते हैं वहां भी 2200 से ऊपर, कोलकाता में 2400 रुपए से ऊपर। तो जो हम घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इजाफे के लिए तैयार हो जाए। पिछले महीने ही 50 रुपए बढ़ा था वो। रसोई गैस में आग लगने वाली है। अरे आग लग चाहे बस्ती में, बावा तो रहता मस्ती में। देखिए यहाँ पर नौकरी पेशा तो सिर्फ सुनिए, नौकरी पेशा तो सिर्फ इसमें इस पांच लोग जो अभी स्क्रीन पे, छह लोग उसमें एक ही आप ही नौकरी पेशा। मुझे आप सच्ची बात बताइए, मैं आपको 5 साल से ज्यादा से ज्यादा जानता हूँ संदीप भाई, अगर आपका सैलरी नहीं बढ़ा हो तो फिर आप बात कीजिएगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर रही है आपकी सैलरी के लिए। दुखती रग पर हाथ क्यों रख रहे हैं जफर भाई? दुखती रग पर हाथ क्यों रख रहे हैं? अरे मैं आपको दुखती रग पर हाथ क्यों रख रहे हैं इस देश में? एक मिनट सुनिए, दुखती रग पर हाथ मत रखिए। जो तनख्वाहें कटी हैं, जो तनख्वाहें कटी हैं, नौकरियां जो, हाँ तो सुनिए ना, अनुराधा प्रसाद भी सुने, अनुराधा प्रसाद भी सुने, नहीं चलती ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। एक मिनट सुनिए जफर भाई, 97% लोग इस देश में, 55% कहते हैं पहले से कम कमा रहे हैं, 42% कहते हैं पहले जितना ही कमा रहे हैं, तो महंगाई के चलते वो भी कम हो गए। तो दुखती रख पर हाथ मत रखिए, आपकी तनख्वाहें बढ़ती रहती है। ये बात पक्की है। सवाल पूछ लिया आपने, सभा में बैठे हैं ना, तेल भी आपको फ्री मिलता है। अब मैं आपकी दुखती रख पर हाथ रखूंगा, अब आप, मैं आपकी दुखती रख पर हाथ रखूंगा। मुझे मुफ्त का पेट्रोल मिलता है, मुफ्त की फोन कॉल कर सकते हैं, मुफ्त का ट्रैवल मिलता है, तो महंगाई का, महंगाई की मार आप कहां समझें जफर बाबू? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए आप शायद नहीं समझ पाते महंगाई की मार। नहीं मिलता, अरे नहीं मिलता, आप फिर मिसलीड कर रहे हैं। देखिए यहां पर और भी है, अमर जी है, अमर पटनायक जी, आप जरा उनसे पूछिए। मैं मिसलीड कर रहा हूं? अच्छा एक मिनट, हां डॉक्टर अमर पटनायक है ना, मुफ्त में क्या क्या मिलता है सांसद को अमर पटनायक, प्लीज जरा ये बताइए, मेरी जानकारी दुरुस्त कीजिए। सांसद को 1,00,000 रुपए का सैलरी मिलता है, 70,000 रुपए का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, 40,000 रुपए का पीए रखने के लिए पैसा मिलता है, 34 फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं एक सेक्टर के, 34 फ्री मिलते हैं, और घर मिलता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का 50,000 यूनिट साल का एक मिलता है, और पानी का कुछ है, लेकिन फिक्स चार्जेस आपको देना पड़ेगा। फिक्स चार्जेस महीने में करीबन 3,000 हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, बंगले के लिए फ्लैट्स के लिए। अरे हाँ भाई हाँ। सवाल ये है कि सिर्फ ये कह देना जी आपकी तनख्वाह बढ़ गई तो पैसे ज्यादा दे दो, ये आम आदमी के साथ इससे ज्यादा कड़वा मजाक, भद्दा मजाक क्या हो सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि जी विकास के लिए पैसे चाहिए, जरूरत अगर आपको पैसे की है, आपके पास पैसे नहीं तो ये विस्तार प्रोजेक्ट बंद करो ना भैया। तो विकास के लिए पैसे सिर्फ पेट्रोल और डीजल के विकास से ही आएंगे, और कोई जरिया नहीं है? तब नारा क्यों बुलंद किया गया था? तब ये दावे, ये वादे, ये सपने क्यों दिखाए गए थे कि 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा? आपको ध्यान होगा ना 2014, आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले?
आज की तारीख में हमारे जितने पड़ोसी मुल्क नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, वहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें हमसे कम क्यों हैं? और जो ये तर्क दिया जाता है कि सड़कें बन रही, तो पहले सड़कें नहीं बन रही थी, पहले देश में कोई विकास नहीं हो रहा था। और सड़कें जहां तक बनाने की बात है, आप या मैं, कोई भी हम गाड़ी खरीदते हैं, वन टाइम रोड टैक्स देते हैं ना, अच्छा खासा जाता है। 10-15 लाख की गाड़ी हो, 2-2.5 लाख रुपए तो वन टाइम रोड टैक्स जाएगा। फास्ट टैग आजकल चलन हो गया है, तो टोल टैक्स देते हैं ना, तो वो पैसे भी तो हम दे रहे हैं, तो वन टाइम रोड टैक्स भी दें, टोल टैक्स भी दें, एक्साइज भी दें, बढ़ी हुई कीमतें भी दें। आम आदमी आज की तारीख में उसकी आमदनी भी तो कम हो रही है। शर्म शर्म करो, शर्म। भारत की, आप भारत के साथ खड़े रहेंगे या चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार होंगे? चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार कैसे हुए? प्रोपेगेंडा का शिकार किसी को नहीं होने दिया जाएगा। कौन है, क्या चाइनीज प्रोपेगेंडा है, क्या चाइनीज प्रोपेगेंडा, समझाइए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, भरोसा कीजिए अपने सेना के स्टेटमेंट पर, भरोसा कीजिए विदेश मंत्री के स्टेटमेंट पर, भरोसा कीजिए प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर। आपको सेना पे भरोसा नहीं, रक्षा मंत्री और सेना पर भरोसा नहीं, सेना को क्यों लिया है? सेना पर आपको भरोसा है? 20 सैनिक शहीद हो गए, गोली चली नहीं, आज तक ये नहीं पता गोली क्यों नहीं चलाई, कमांडिंग ऑफिसर मर गया। आप सेना की राजनीति करेंगे मेरे साथ? नहीं, आप मेरे साथ सेना की राजनीति करेंगे? अरे भाई, 18 बार प्रधानमंत्री मोदी 18 बार जिनपिंग से मिले हैं, 18 बार, 5 बार चीन गए हैं। भारतीय इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार चीन नहीं गया। झूला झुलाया महाबलीपुरम में, अक्टूबर में गए। ये मत बताइए मुझे, ना 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 ना, मुझे मत बताइए। जब आप इतिहास, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधा सवाल बात पूछता हूँ। अपने देश के अंदर अगर कोई अतिथि आता है उसके, तो मतलब आप झूला झुलाओगे, महाबलीपुरम में घुमाओगे और चीन हमें आंखें दिखाएगा? आपके साथ धोखा नहीं हुआ, औरों के धोखे गिनवाते रहेंगे, अपने गिरबान में भी जाके लीजिए। सबने देखा, ये तो कांग्रेस कोई चोरी छुपी की बात है। कांग्रेस लीडर सर, आप बोलिए ना, कांग्रेस के नेताओं ने ये बयान दिया। हाँ। ये आपकी, आपका, मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूँ, मुझे किसी का कंधे की सहारे की जरूरत नहीं होती। सर, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि धोखा दिया, ठीक है, पंडित नेहरू को धोखा मिला और हमें 1962 में हार का सामना करना पड़ा, पर आज भी धोखा हुआ है क्या? बोलिए ना। ऐ खुदा तू ये बताइए, तूने हमको क्यों दिए काम के नकाज के, ये बोझ है समाज पे। मैं सीधे सवाल पूछता हूँ, आप चीन पर इतने संभल कर बोल रहे हैं, पलट कर मैं आपसे पूछूं, अगर पाकिस्तान ने ऐसे हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया होता, आप ऐसे ही संभल कर बोलते? आज इतने संभले हुए क्यों हैं? आप तो कहते हैं घर में घुसकर मारते हैं, आज इतने संभले हुए क्यों हैं? चलिए सवाल का जवाब दीजिए, पाकिस्तान ने 20 सैनिकों को मारा होता, 20 सैनिक शहीद हो गए होते पाकिस्तानी हमले में, तो यही आपका रुख होता? इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। आप प्रश्नोत्तरी तैयार करेंगे, मिडिल क्लास की बात कर लीजिए। नहीं करनी चाहिए मिडिल क्लास की बात। आपके साथ दिक्कत ये है, संदीप चौधरी को जो पसंद हो वही बात करेंगे, चौधरी जी कहें तो दिन को रात तो रात कहेंगे। अरे कहां कह रहे हो, नए स्कूल खुले, कितनी नई यूनिवर्सिटी खुली 15 साल में? जी मैं बता रहा हूँ सर, ये भी बता दूं क्या? हाँ बताइए ना, आपकी सारी जानकारी बता देता हूँ। देखिए 2,17,000 करोड़ है शिक्षा का बजट, ढाई नहीं होती थी। कितने लाख करोड़ का बजट है बिहार का जी? शाहनवाज हुसैन, कितने लाख करोड़ का बजट है अभी? जो बजट अभी 2,17,392 करोड़ हो गया। गलत आंकड़े मुझे मत भरोसा कीजिए, ये जनता को चुनावी रैली में बता दीजिएगा। इस देश का ही बजट 30 लाख करोड़ का है। अरे भाई, आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। अरे इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, वही बात करेंगे। ठीक जगह से किया है जी, पता है मुझे चौधरी साहब, आप तो वेस्टर्न यूपी के आदमी है, हम लोग गांव देहात के हम है। आपका अरे वाह, अब ये किसने कह दिया? इकोनॉमिक्स में समझता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कितनी फैक्ट्रियां लगी। डेवलप सर, डेवलप, आप डेवलप, आप मेरी तरह बोरा बिछा के नहीं पढ़े ना, पैर के नीचे लालटेन। मैं गरीब हूँ, बातें समझती हैं संजू वर्मा। तो संजू, क्या आम आदमी की कीमत, आम आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं है? पहली बात तो यह संदीप जी, बुरा मत मानिए, आपने अपने शो में इतना कुछ कहा पर आपको आंकड़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपकी अरिथमेटिक बहुत ज्यादा कमजोर है। आपने कहा, मान लो दुनिया विज्ञान से मुझे टोकिए मत, आपको आंकड़ों की जानकारी क्यों नहीं? मान लो 4 लाख लोगों की मौत हुई है और हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसका मतलब होता है सरकार को अपने राहत कोष से 16 लाख करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। गलत नैरेटिव आप चला रहे हैं, मेरे को जवाब। आप गलत आंकड़ा बता रही हैं, शुरुआत में 16 लाख करोड़ कौन सा गलत बता रही हैं और उस पर अड़ी हुई है। अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से समझाइए मुझे, 15,525 करोड़ 16 लाख करोड़ कैसे होते हैं? चलिए समझाइए। जब आप एक राहत कोष से फिगर निकालते हैं, ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है, यू ऐड अ मल्टीप्लायर नंबर टू इट, द मल्टीप्लायर कुड बी 10x 20x 30x। मैंने तो सिर्फ 10x का मल्टीप्लायर लगाया है, जो मैंने बोला नहीं 10x नहीं लगाया आपने, फिर आपका आंकड़ा गलत है। 10x पर 15,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ बनते हैं, 100x में बनते हैं 16 लाख करोड़। आपने कैनिक्स नहीं लगाया, बात जारी रखिए। 1 करोड़ लोगों की फर्जी से मौत हो गई। मेरी बात सुनने की आपने हिम्मत नहीं, मुझे एक बात बताइए। सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, गलत आंकड़े बोलने के लिए थोड़ा बताया। दर्शकों, सिंपल गणित है, 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, सबको 4 लाख रुपए मिलते हैं, आंकड़ा कितना होता है? 4 लाख करोड़। सिंपल संदीप जी,
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये जायज है, मतलब जायज है लाठी बरसाना। ये न्यूज़ 24 का तो भाजपा विरोधी एजेंडा है, हमारा कोई भाजपा विरोधी एजेंडा नहीं है। आपके कहने से थोड़ा हो जाता है, आपको लगता है तो आपकी मतलब विपक्ष से सवाल पूछूं, सत्ता से सवाल ना पूछूं, आप ये बता रहे हैं सत्ता से सवाल ना पूछूं तो मैं पक्षपातपूर्ण नहीं होऊंगा। मैंने बिल्कुल उत्तर दूंगा, हर उत्तर दूंगा। मेरे ऊपर आरोप लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल इतना बड़ा है और चमड़ी इतनी मोटी है और ईमानदारी की ताल ठोकता हूं, ताल ठोकता हूं। किसी में दम है तो खरीद कर दिखाए, अपना एजेंडा चलवा कर दिखाए। चुनौती है, खुली चुनौती है प्रेम बाबू, और आपकी राय है तो आपको मुबारक, इसमें आपको पक्षपातपूर्ण रवैया लगता है तो ये सर आंखों पर। हम तो सत्ता से सवाल पूछेंगे और बिल्कुल जायज सवाल पूछेंगे और पीछे हटेंगे नहीं। If you like the video, do like, share and subscribe to Bilo Talks and press the bell icon to get notified on every update from Bilo Talks. Thanks for watching.